मेरे दोनों भाभियों की राखियां मैंने ऐसी ली हैं ताकि वो दादाओं को हिप्नोटाइज कर सकें ऐसे करके। गाइस देखिए मैं इतना सब आइटम अभी अभी लेके आई हूँ। ये मेरी जो पोती है ना डेली, मैं उसके लिए लेके आई हूँ। ये डीनो अपने लिए लेके आए हैं, ये केक मैं अपने लिए लेके आई हूँ, और ये सब कल रास्ते में हम लोग जब डेली जाएंगे तो रास्ते में पीने के लिए सब आइटम लेके आई हूँ। और ये मैं अभी पीऊँगी सोने से पहले। और ये मेरे वहाँ दो दादा हैं, दोनों के लिए लेके आई हूँ। तो बस गुड नाइट हो जाइए अब आप लोग। ये देखिए कमर का आलम, बिना बेल्ट के अब ये बंदूक खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। अरे तो स्ट्रेन पड़ गया। जो खुद मतलब जिस चीज़ के डॉक्टर हैं आज उनको उसी डॉक्टर की ज़रूरत है। सोचो तुम जिस बीमारी को दूर कर रहे हो दुनिया की, आज की डेट में तुम्हारे को कोई सही करने वाला नहीं है। सोचो जाना पड़ेगा ना। तो कहाँ जाना पड़ेगा, जाते क्यों नहीं हो फिर वेन्यूल गोदन? बिल्कुल तो अब कमर से टूटे हुए हो, बैंड हो चुके हो। घूम फिर लो अभी तो जा सकोगे। तो वो दिल्ली में जाओगे मतलब? वही दिल्ली में अब वही कर रहा हूँ। तो क्या कराओगे, एक्यूपंक्चर कराओगे? क्या फायदा ज्यादा करेगा? तो खुद ही मैंने अपने नीडल्स लगाएंगी बैक में। तो कुछ फर्क पड़ा? ओ फर्क नहीं पड़ा था। बेटर है पहले से। ठीक है चाय पी लो और ब्रेड खा लो और चलो। लेट कर दिया तुमने आज, हमने सोचा था 7 बजे निकलेंगे, 7:30 कर दिए। कोई भी ले लो। नहीं ये वाली लो, मैं कम लूंगा चाय, मैं ज्यादा नहीं पीनी। मैंने वो नहीं पीनी, ये तुम पियो, मैं ये पीऊंगा। बेटे आप ये देखो यहाँ बैठे हुए हैं, खा रहा है ब्रेड, खा रहा है वो। ब्रेड खाना है? उसे पसंद है ना ब्रेड। तो सूखा ब्रेड खा जाते हो? अरे उसे ऐसे ही पसंद है, पता नहीं क्या मनुष्य है वो भी। कुछ तो गाय को पीना नहीं तो फैला दी उसने, गाय के लिए पानी रखा था, गाय ने पानी फैला दिया। मतलब इनका पेट भर गया होगा तो एकदम फैला दिया बचा हुआ, दूसरी गाय के लिए नहीं छोड़ा इन्होंने। चलो बाय अम्मी। बेटू है कहाँ? मामी नमस्ते। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ए भगवान ये हट ही नहीं रही है, पागल हो चुकी है। पागल नहीं हो चुकी बेटा ऐसे। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। हैप्पी रक्षाबंधन। गाइस कल भी रक्षाबंधन था, कुछ लोगों ने कल किया, कुछ लोगों ने आज किया, तो इस तरीके से अब 80 आज करेंगे। 80 आज जा रहे हैं दिल्ली, तो दिल्ली में जा रही हूँ। दो कारणों से जाना है मेरे को, एक तो आज रक्षाबंधन है, मेरे वहाँ पे कज़न रहते हैं, 2-3 रहते हैं, तो सबको राखी बांधनी है। और दूसरी वजह यह है कि मेरी भाभी हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, उनको देखने जाना है मुझे। जा रही हूँ देखने के लिए, और रक्षाबंधन भी हो जाएगा मेरा, इसलिए मैंने 12 तारीख चुनी थी इसी वजह से, ताकि मैं दोनों चीज़ें करके आऊँ। अगर मैं अब जा ही रही हूँ रक्षाबंधन के आसपास, तो मैंने सोचा कि अब मैं 12 तारीख को जाऊँगी तो राखी बांध के आऊँगी, वरना मैं राखी दे के आती। तो फिर चलते हैं, अभी हम लोग आगरा से जस्ट निकले ही हैं, तो पहुंच गए हैं लगभग। सिकंदरा आ गया क्या? अभी आगे है, अभी आया नहीं है, तो चल रहे हैं भाई। इनसे भी हेलो हाई कर लीजिए, थोड़ा विश वगैरह कर देंगे ये भी आपको। रक्षाबंधन तो विश करो, हैप्पी रक्षाबंधन। कमर तो गाइज इनकी आप देख ही चुके हैं, पिछले महीने भी इनके जब मैं बैंगलोर से लौट के आई थी तो ये इसी कंडीशन में मेरे को लेने आए थे स्टेशन से, और अभी भी मतलब क्या लेने नहीं आए, इनफैक्ट छोड़ने गए थे तब इसी हालत में गए थे। जब लेने आए थे तब हल्की थोड़ी ठीक थी हालत, अब इन्होंने दोबारा से कुछ पड़ गया जर्क, पता नहीं क्या हुआ, तो दोबारा से ऐसा हो गया, तो अब फिर प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। बात तुम संभल के चला करो ना। संभल के कोई मैं गड्ढे में थोड़ी गिर रहा हूँ। नहीं तो फिर भी इतनी जल्दी जल्दी जाएगा तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। चांस ही बात है, क्योंकि अब जो डॉक्टर दूसरों को ट्रीट करने जा रहा है वो इस हालत में है कि उसको सेम डॉक्टर की जरूरत है। सोचिए मैंने नीडल लगा रखी है अपने। हाँ वैसे तो ये नीडल अपने लगा के आए हैं कान के पीछे। तो गाइस हम लोग सिकंदरा पे आ चुके हैं। दिस इज ओलिनो सिकंदरा। हाँ वो रहा ना सिकंदरा का, वो कौन सा वो है, क्या है वो, व्हाट इज दैट, क्या वो? हाँ यहाँ पे है बगल में। यस ये बगल में दिखाई दे रहा होगा आप लोग। ये देखो बेटे इधर राइट हैंड पे देखो। अरे इसको कभी वैसे ले आना पर्सनली दिखाने के लिए, वो आया राइट हैंड पे देखो, ये बिल्डिंग जो है ना ये सिकंदरा है,
हम लोग फिफ्थ क्लास में हिस्ट्री आएगी तब पढ़ेगा। हम लोग शादी के शायद मेरे ख्याल से कितने दिन बाद आए थे, 2 या 3 महीने बाद आए थे मिनी के। याद करो यहाँ पे अपन लोग मिनी की शादी, मतलब मेरी शादी के 2-3 महीने बाद आए थे, जब मिनिया संग में थी। वो आई थी मेरे घर पे, तो उसको इन्होंने कहा था कि चलो हम मिनी को घुमा देते हैं 1-2 जगह पे। तो हम लोग पहले दिन तो इधर ही आए थे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, देखते बन रहे हैं। मैं दिखाती हूँ मौसम, बड़े बड़े झंडे हैं तो भाग, मतलब अपनी गाड़ी पे, गाड़ी पे नहीं घरों में लगाने के लिए चाहिए। डैडी ने तो 4-5 दिन पहले ही लगा लिया खूब बड़ा झंडा। गाइस मौसम देखिए जरा कितना जवाब लाजवाब है, थोड़े काले बादल हो रहे हैं, हो सकता है बारिश भी हो जाए हमारे पहुंचने से पहले। बेटू विंडो ओपन नहीं करना, एसी चल रहा है। गाइस हम लोग मथुरा जा रहे हैं, मतलब मथुरा नहीं जा रहे, मतलब जा तो उधर ही रहे पर मथुरा पड़ेगा अभी रास्ते में। तुम्हें मेरे ब्लॉग में आके वैसे लगता कैसा है ये भी तो बताओ। मुझे मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मुंबई के स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, मुझे हीरो बना दिया गया है। और क्या बस कर रहा तुम्हें, कमर में दर्द हो रहा है तुम। हाँ? ये पढ़िए कि ब्लॉग में आके लगता कैसा है। अरे यार तू तो कमर में दर्द होने से क्या जवाब नहीं दे पाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बस यही सुनना था मुझको। तो असली अब निकल चुके हैं, मथुरा आने में अभी है लगभग। सुनो पेट्रोल पेट्रोल तो नहीं डलवाना। तो गाइस अभी हम लोग रुकेंगे कहीं पेट्रोल पंप पे। वैसे मैं सोच रही हूँ आप लोगों से डायरेक्ट दिल्ली में ही लूँ, और नहीं तो बीच में भी मिल सकती हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है गाइस, मैंने आज हेड बाथ लिया सुबह सुबह उठ के। मैं तो 6 बजे उठ गई थी, इन्होंने लेट कर दिया बिकॉज ये बेड से उठ ही नहीं पा रहे थे। उठने में इनको 15 मिनट लग गए, फिर इनको उठाने में 15-20 मिनट लग गए, फिर इनको नहाना वगैरह था, इसलिए करके हम लोग ऑलमोस्ट 7:30 के बाद निकले। नहीं तो मैंने सोचा था कि 7 बजे तक हम लोग निकल लेंगे घर से। ये देखो बैठते ही कार में शुरू हो गए इनका, तो मतलब कार में बैठे नहीं कि पिकनिक वाला इनका मूड शुरू। पिकनिक के लिए जा ही रहा हूं, कल गया नहीं रहा था, मैं भी चलूंगा। मैं इसको ले जाना नहीं चाह रही थी, मैंने कहा मैं बेटू 2 दिन में आ जाऊंगी, पर एक बार को ये मान भी गया, पर पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं मेरा भी दिल अंदर से ऐसा हो रहा था। फिर मैंने इसको एक बार पूछा कि चलोगे, हाँ चलूंगा चलूंगा, मुझे भी चलना है, मेरे को भी चलना है। फिर मुझे लगा ये दिल मार के रह जाएगा, तो मैं ले आई साथ। तो गाइस आज मैंने जो सूट पहना है ना, मार के होता है मन मार के, तो यार वो तो मेरी मर्जी है दिल मार के। तो गाइस मैंने आज भी वही सूट पहना जो मैंने कल पहना था, ये मैंने अपना रक्षाबंधन सूट कर दिया है। कल रक्षाबंधन मनाया था ना मैंने, तो मैंने यही वाला सूट पहना था, पर ये मैंने 1.5 घंटे के लिए पहना था मुश्किल से। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, इसी को पहन लेते हैं, चलते हैं हम भी इसी सूट में राखी कर लेंगे जाके। और ये मैंने नया नया बनवाया ना, तो थोड़ा इसको मन कर रहा है पहनने का। खा लो बेटे, सही है, बट डेट नहीं एक्सपायरी, लो एक्सपायरी डेट देखो मम्मा। इस रोड पे ऐसी मजबूरी है कि ये ट्रक हमारे सामने चल रहा है पिछले 5-10 मिनट से, हम लोग इनको हटा नहीं पाए अभी तक, क्योंकि इधर जा नहीं सकते और इधर वो हमको जाने नहीं दे रहे हैं। देखो ना बढ़ा रहा ना, यही है पिछले 5-10 मिनट से कर रहे हैं, अब फाइनली जगह मिली है, बड़े फुर्सत में आ रहे हैं भाई साहब। ये तो बड़े फुर्सत में बैठे हुए देखो तो पीछे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनकी फुर्सत छोड़ो, पहले ये बताइए दर्द तो नहीं हो रहा है? दर्द कम है, बहुत कम है। नहीं मींस बैठने में अगर कुछ डिस्कम्फर्ट हो तो भाई दवाई वगैरह ले लो। बैठने में कोई डिस्कम्फर्ट, अरे मैं तो नीडल लगाता हूँ, मैं दवाई। तुम्हें आराम है, मतलब कहने का मतलब आराम है, क्योंकि पापा को मैंने देखा है उनको इतना कष्ट होता था, तुम्हें वैसा तो नहीं है ना? जब खड़ा होऊंगा तब हमने ये रात को खरीदी थी, लेकिन हम इसको फ्रिज में रखना भूल गए, तो यहाँ हमने एसी का जो डायरेक्शन है उसकी तरफ करके इसको इतना चिल्ड बना लिया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्रिज में ही रखी थी। बेटू हमारे इस फ्रिज में वो रख देना जरा, अमूल कूल निकाल के दो एक गिफ्ट, गिफ्ट गिफ्ट। अब ये ठंडी होती रहेगी और बाद में पी लेंगे। कितना दिमाग है मेरे पास, दिमाग तेरे ही अंदर है, सारी दुनिया के दिमाग मेरे अंदर है। ठीक है हाँ, इतनी स्मार्ट
रखो सर पे मत रखो, पी लो। ये क्या नया है? तो गाइस हम लोग पीने जा रहे हैं कॉफी, बिकॉज रात को मैं लेट सोई हूँ काफी, लगभग एक बज गया था, तो अभी आ रही है नींद थोड़ी। चाय वैसे पी तो ली थी सुबह, बट उससे कुछ मजा आया नहीं, नींद नहीं खुली मतलब। तो ऐसी अब पियेंगे तो शायद नींद खुल जाए। और अभी टाइम ऐसा हो रहा है 9:30 के करीब, तो मक्खी आ गई क्या कार के अंदर? भाई मक्खी निकालो बाहर। तो लगभग शायद 12 तक हम लोग पहुंच भी जाएंगे दादा के घर पे। तो अभी चलो पी लेते हैं, चलते हैं। तो गाइज मैं जा रही हूँ अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए, और मम्मी तो ऑलरेडी बांध चुकी हैं, बिकॉज वो जो मामी थी आप लोगों ने देखा और डोर पे जो खड़ी थी मम्मी के साथ, वो गांव से आई हुई हैं मम्मी से राखी बंधवाने के लिए। मतलब हर साल मामी मामा आते हैं तो मम्मी राखी बांधती हैं। और मेरे को भूख भी लग रही थी थोड़ी सी, क्योंकि शायद 9:30 का टाइम हो रहा था, एक ही ब्रेड खाया था, तो सोचा थोड़ा कॉफ़ी पी ली तो एक केक का पीस भी खा लेते हैं। तो गाइस पहली बार ऐसा हुआ है कि रक्षाबंधन 2 दिन का पड़ा है, तो मैं भी राखी बांधने भाइयों को जा रही हूँ, वरना मैं हर साल जा नहीं पाती हूँ, बिकॉज़ इनकी बहनें आती हैं घर पे, तो मेरा निकलना नहीं हो पाता है। अब इस बार 2 बार कुछ हुआ है 2 दिन का, तो मैंने कहा चलो मैं भी बांध आती हूँ। कितने सालों से मैंने अपने दादाओं को राखी नहीं बांधी है, मुझे तो लग रहा है शायद जब लोग छोटे थे ना, दिल्ली में रहते थे तब बांधती थी, उसके बाद फिर बैंगलोर चले गए, फिर ऐसे करके पूरा छूट ही गया। लेकिन अब इतने टाइम बाद जब दोबारा से रक्षाबंधन आया, वो भी 2 दिन का पड़ा, तो मैंने कहा इस बार तो मैं जाऊंगी और अब मैं हमेशा जाया करूंगी। कमर में दर्द है इनके, तो गाइज मैं जहाँ जा रही हूँ ना, वहाँ मेरी पोती भी है गट्टू, 3 साल के भी हुई नहीं है, होने वाली है, वो मेरे बड़े भतीजे की बेटी है। इतनी कम उम्र में इन बच्चों ने मेरे को नानी दादी सब बना दिया, मतलब मिनी को भी। और बेटू का कुछ काम नहीं है सिवाय इसके कि मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो। जब भी कहीं जाती हूँ ना, चाहे ट्रेन में हो चाहे प्लेन में, उसका यही काम रहता, परेशान कर लेता बिल्कुल। चिप्स लेने गए, आज बहुत बड़े हो गए, शॉपिंग करना जान गए। देख रहा है इधर उधर, पैसे तो ले लो, पैसे हाँ रख दो कार में। ये मेरे दोनों भाभियों की राखियां मैंने ऐसी ली है ताकि वो दादाओं को हिप्नोटाइज कर सकें। ऐसे करके गट्टू, मेरी गट्टू, गट्टू क्या लाई दादी? मेरी पोती है ये, मेरी पोती है। ऊटा नहीं है, पोती है, पोती मेरी पोती। अच्छा लगा? हाँ खुश हैं, बड़ी बहुत खुश हैं, बड़ी खुश हैं, हाँ बहुत खुश है, बहुत खुश है। भैया इधर देख लो, ये चाचा वाले भैया हैं इनके, जब तक छोटे रहेंगे चाचा नहीं रहेंगे, भैया रहेंगे, बड़े होते चाचा बन जाओगे। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ फाइनली अपने दादाओं के घर पे। पहले बड़े दादा को राखी बांधूंगी, फिर छोटे दादा को बांधूंगी। अभी मैं फ़िलहाल भाभी की हालचाल ले रही हूँ, उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ी हुई है, बिकॉज़ दिखाई नहीं देता है पर उनकी तबीयत एक्चुअल में बहुत ख़राब है, उन्हें किडनी का कुछ प्रॉब्लम है। और ये मेरा भतीजा है, छोटे दादा का बेटा। तो चलिए गाइस मैं आपसे कल मिलती हूँ।